हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। आज मैं आया हूँ जावा ESD के शोरूम क्रिसेंडो में और हम देखने जा रहे हैं जावा 42। काफ़ी अच्छे नए कलर्स आ गए हैं डुअल टोन में। चलिए देखते हैं कौन कौन से कलर्स आए हैं। सबसे पहले हमारा ये कलर आया है कॉस्मिक, डुअल टोन कलर में आ गया। फिर मैट ब्लैक आपका डुअल टोन कलर में आ गया सिल्वर स्ट्रिप के साथ, अच्छा लग रहा है। एंड ये आपका नया कलर है ब्लू कलर है, ये भी सिल्वर स्ट्रिप के साथ आया है, अच्छा लग रहा है। एंड ये कॉपर कलर है, ये भी सिल्वर स्ट्रिप के साथ आया है। साइड में आप टैंक्स पे भी देख सकते हो, काफ़ी सिल्वर वर्क आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक्स, कई सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं सारे चेंजेस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रंट लुक से बात कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं पहले भी जावा 42 कवर कर चुका हूं एंड आपको वो मोनोटोन कलर्स में ही आती थी, सिंगल कलर्स में वो आते थे। अब नए ये कलर्स आ गए हैं डुअल टोन में, तो मैं फिर से आया हूं इनके पास ये आपको दिखाने के लिए क्या क्या एडिशंस हुए हैं। कुछ टेक्निकल चेंजेस भी थोड़े बहुत हुए हैं, मोस्टली कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक करके उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स पे चली जाएगी। ये पहले आपको सिंगल कलर ब्लैक्ड आउट में फुल एलॉय व्हील्स आपको मिलते थे। ट्यूबलेस टायर हैं इसमें, फ्रंट में आपको 18 इंच एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टायर साइज मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, 90-90-18 है, आप देख सकते हो। एंड बाइबर की ब्रेकिंग मिल जाती है। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रेयर में भी आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS के साथ ये आती है। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, फुल हाइलोजन बेस्ड। एंड यहाँ पे आपको बल्ब बेस्ड में ही इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये इसके रेट्रो लुक को कैरी ऑन करने की कंपनी ने पूरी कोशिश की है। आप ऐसा मत समझिएगा कि कंपनी इसको मॉडर्न नहीं बना सकती थी, ऐसा नहीं है। जब बाकी कंपनियाँ कर सकती है तो जावा भी कर सकती है। आप यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ब्लैक में इसका सर्कल यहाँ पे मिल जाएगा लाइट का। एंड पीछे आपको यहाँ पे ब्लू कलर मिल जाएगा, वो ग्लॉसी ब्लू में मिल जाएगा। यहाँ आपको मैट कॉपर मिल जाता है, अच्छा लग रहा है। ब्लैक्ड आउट में इसका फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी है। रेडिएटर भी पहले से छोटा हो गया है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप एक बार कंपेरिजन कर सकते हो। आप मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हो एंड इससे कंपेयर करोगे तो आपको ज़रूर डिफरेंस महसूस होगा। नीचे आपको इंजन प्रोटेक्शन मिल जाएगी एंड आपके इंजन में भी इसमें मैट फिनिश पूरा कर दिया गया है। आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम फिनिश लग रहा है। ये हर जगह इसको मैट फिनिश कंपनी ने किया है। यहाँ साइलेंसर के ऊपर जो कवरेज किया है, ये भी मैट फिनिश है। ये साइलेंसर्स भी इसमें डुअल साइलेंसर्स इसमें आ जाते हैं, आपको बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा साइलेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये पूरा मैट ब्लैक कर दिया है इन्होंने यहाँ पे। एंड 300 cc का इसका इंजन है। मैक्सिमम पावर 27 PS की निकालता है, मैक्सिमम टॉर्क भी 27 PS का निकालता है, अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल जावा 1929 की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी इनके आपको इंजन्स पे। अगर फुटपैक्स की बात करें तो रबराइज फुटपैक्स आपको फ्रंट के मिलेंगे। न्यूट्रल आपको पोजीशनिंग मिल जाती है ड्राइविंग के लिए। लेग ब्रेक आपको मेटल फिनिश में मिलेगा। यहाँ आपको ये प्रोटेक्शन पहले नहीं आती थी, अब कंपनी ने दे दी है। ये छोटे छोटे चेंजेस किए। इस तरफ भी आप देख रहे हैं, आपके फुट को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों तरफ आपको यहाँ पे प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं, अच्छे लग रहे हैं। रेयर फुट पैक भी आपको रबर फिनिश दिया है एग्जैक्टली फ्रंट जैसा। पीछे आपको ट्विन स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गैस चार्ज्ड है ये। यहाँ पे इसका फ्यूल फ्यूल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ऑयल यहाँ पे आप इसको फिलअप कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से इसको कैपअप किया हुआ है जिस कंपनी ने, इस बार इसका ध्यान रखा है। रेयर में भी आपको डायमंड फिनिश में एलॉय व्हील्स मिलते हैं 17 इंचेस के। टायर प्रोफाइल में आपको बता देता हूँ, 120-80-17 है, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल रेयर पैसेंजर के लिए मिल जाता है, सिंगल इसमें सीट मिल जाती है। स्कूप्ड आउट में अब इसका फ्यूल टैंक आ गया है, अच्छा लग रहा है ये। जावा की यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। यहाँ पे क्रोम फिनिश में आपको फ्यूल कैप मिलता है,
सिल्वर में यहाँ पे आपको स्ट्रिप मिलती है 42, इस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सारे आपके कंट्रोल्स दिए हैं आपकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। फ्रंट में यहाँ आपको पास मिल जाएगा, इंडिकेटर है, हॉर्न है, इंजन किल स्विच है, हजार्ड है एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। कोई भी किक स्टार्ट कंपनी ने नहीं दिया है। यहाँ पे इसका लॉक सिस्टम नीचे दिया हुआ है, जैसे रेट्रो में आता है बाइक्स में, ये वैसे ही अभी भी कैरी ऑन हो रहा है। चाबी का शेप भी आप देख सकते हैं, वैसे ही जावा ने कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे होल कर दिया है, तो रेडिएटर भी अब ज़्यादा हीटअप नहीं होगा, ईजिली इसकी हीट पास हो जाएगी, जिससे परफॉर्मेंस जो लॉन्ग राइडर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। चलिए इधर मैं बात करता हूँ टेल की। टेल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है रेट्रो लुक में। यहाँ पे लाइसेंस नंबर प्लेट मिल जाएगी, यहाँ लाइट मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाएगा, बल्ब बेस्ड में इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, सारी गार्ड यहाँ आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। चेन ड्रिवन है ये, डुअल चैनल एबीएस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड चेन के ऊपर आपको फाइबर में कवर भी दिया हुआ है, तो अच्छी लग रही है। एंड रियर लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक रेट्रो लुक आपको हर तरफ से एक गाड़ी प्रोवाइड करती है। अगर आप इस तरह के लुक्स के शौकीन हो या क्रूज़र के अगर आप शौकीन हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड डिसेंट इसकी पावर है। 27 PS सिटी यूज़ के लिए बिल्कुल भी कम नहीं होती, काफ़ी अच्छी पावर होती है। एंड आई थिंक आपको यही सेम पावर, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, कि ये जो X440 हार्डले की आई है उसमें भी आपको 27 PS की पावर मिलती है, टॉर्क उसमें ज़्यादा है इससे, तो ये चीज़ अच्छी करके रखी है जावा ने। चलिए एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, ओडोमीटर मिल जाएगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल गेज डिजिटल में मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, साइड स्टैंड रिमाइंडर इसमें मिल जाएगा, ABS यहाँ ग्लो कर रहा है जब गाड़ी चलाओगे तो ये क्लोज हो जाएगा, हजार्ड लाइट इसमें आपको मिल जाती है, एंड बाकी सारे वार्निंग्स ऊपर आ जाते हैं। ब्लैक्ड आउट में इसके मिरर्स आपको मिल जाएंगे, ये पहले आपको क्रोम फिनिश में आते थे, थोड़े रेट्रो ज़्यादा लगते थे, उसका ऑप्शन भी कंपनी ने ओपन रखा है। अभी वो जो लगा के दे रही है वो ब्लैक्ड आउट में दिया हुआ है, मैट ब्लैक फिनिश इसके यहाँ पे आर्म्स को भी दे के रखा है, तो ये अच्छा लग रहा है लुक, कुछ रिफ्रेशिंग है। एंड क्लच मैं देख लेता हूँ, क्लच भी आपका हार्ड नहीं है, डिसेंट है ये, ना बहुत लाइट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आपको चलाने में सिटी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ब्लैक आउट में दोनों आपको फ्रंट के लीवर्स मिल जाएंगे, डिसेंट आपको ग्रिप मिल जाती है, ग्रिप अच्छी लग रही है, एंड मेटल फिनिश में इसमें आपको बार एंड्स मिल जाते हैं, अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप बताओ कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है एंड कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक बार मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, गाड़ी को हमने गियर से हटा दिया है, क्लच दबा के स्टार्ट होगी, आवाज़ आप सुन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। अभी हम शोरूम के अंदर है तो आवाज़ ज़्यादा बेस आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन रोड पे भी काफ़ी अच्छी आवाज़ करती है ये। बाकी टेल लाइट आप चेकआउट कर लो, अच्छी लग रही है। आई थिंक टेल लाइट LED में दिया हुआ है, एंड फ्रंट में आप लाइट देख लो, थ्रो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ब्राइट है ये। आवाज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ये कलर, ये दोनों नए कलर हैं, कॉपर कलर आप देख रहे हो डुअल टोन में, डुअल टोन में आप ये ब्लू कलर देख रहे हो, मुझे ब्लू ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये डे नाइट में आपको ब्लू जैसा इफेक्ट देगा एंड रात में ये डार्क हो जाएगा तो ये ब्लैक जैसा इफेक्ट देगा, तो ये अच्छा लगेगा। एंड बाकी आप बताओ आपको ये कलर स्कीम्स में कौन सी ज़्यादा पसंद आई। अगर मैं प्राइसेस की बात कर लेता हूँ तो डुअल टोन और मोनोटोन के कलर्स में कंपनी ने कोई भी प्राइसिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं रखा है, सबके प्राइसेस एग्जैक्टली सेम रखे हैं। अगर एक्शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 1,98,000 रुपीज़ का एक्शोरूम प्राइस है एंड 2,34,000 रुपीज़ का इसका ऑन रोड प्राइस आपको लखनऊ में पड़ेगा। एंड अगर इसके सीट हाइट की मैं बात करूं तो आपको 765 के आसपास की इसकी सीट हाइट पड़ेगी। मैं एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूं, 5'8" मेरी हाइट है एंड ईजली मेरे फुट फ्लैट दोनों तरफ के हैं, तो कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली इसको कंट्रोल करने में। एंड जो रेगुलर राइडर्स होते हैं तो उनको कोई भी बाइक दे दो तो इजीली वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मेरा एक बार आपको अंदाज़ा देने का
कर्तव्य है कि आपको बता दूं कि गाड़ी आप कैसे, अगर आप 5'8" हाइट के हो तो कैसी आपको पोजीशन मिलेगी। तो 765 mm की इसकी सीट हाइट है एंड 1370 mm का इसका व्हील बेस है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, गाड़ी लंबी है, अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे एग्रेशन से ये चलती है। क्रूज़र बाइक है तो आप इजीली इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ले जा सकते हो बिना कोई ट्रबल के। सो फ्रेंड्स, आज की बाइक जावा 42 आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सा कलर आपको अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताएगा। आपको पता है मुझे ब्लू कलर ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसका रीज़न भी मैंने आपको वीडियो में दे दिया है। आप बताइए आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है, आपको मोनोटोन सी कलर पसंद आते थे कि अब ये डुअल टोन कलर भी आपको पसंद आ रहे हैं, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएगा। बाकी इस बाइक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, अगर आपके किसी लव्ड वंस ने खरीदी हो या आपने कभी इस बाइक को चलाया हो जावा की, आप कैसा एक्सपीरियंस करते हो, कैसी इसकी आफ्टर सेल सर्विस है, इसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि हमारे और व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी रहे इस ब्रांड को लेके। कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है तो आप ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। एंड बाकी आप बताओ, मेरे को तो काफ़ी डिसेंट लग रही है बाइक, प्राइस के हिसाब से भी डिसेंट है, पावर के हिसाब से भी डिसेंट है, लुक्स भी आपको बिल्कुल रेट्रो लग रहे हैं। एंड आपको अगर ये लुक्स पसंद है तो डेफिनेटली आपके पास इसके अलावा मार्केट में और कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं ये जावा के बाइक्स मार्केट में। एंड आज के वीडियो के लिए हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहते हैं क्रिसेंडो जावा को, जिनका शोरूम आपको टेढ़ी पुलिया रिंग रोड पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का फ़ोन नंबर ड्रॉप कर दूंगा एंड लोकेशन भी ड्रॉप कर दूंगा, तो अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल करिए। काफ़ी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल स्टाफ है यहाँ का, आपकी मदद ज़रूर करेगा। एंड जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो ताकि इन फ्यूचर मैं और भी अच्छी गाड़ियाँ आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।